कांग्रेस कार्यालय में कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करते हुए कांग्रेस पदाधिकारी और दो नेता निलंबित। इंदौर कांग्रेस के दो नेताओं को बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस कार्यालय में स्वागत करने पर निलंबित कर दिया गया है। इन नेताओं का कहना है कि उन्होंने राजनीतिक शिष्टाचार निभाया था, जबकि पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता माना है। इस घटना के बाद कांग्रेस के जिला इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा और इंदौर कांग्रेस ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष सदाशिव यादव को नोटिस जारी कर निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर निवासियों से शहर में 51 लाख पौधे लगाने की अपील की थी। इसी सिलसिले में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन मांगने के लिए 12 जुलाई को कांग्रेस कार्यालय का दौरा किया था। विजयवर्गीय का कांग्रेस कार्यालय में मिठाई और माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसे पार्टी ने अनुशासनहीनता के रूप में देखा। सुरजीत चड्ढा और सदाशिव यादव ने कहा कि उन्होंने नोटिस का जवाब दिया है और पार्टी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। चड्ढा का कहना है कि उन्होंने स्वागत राजनीतिक शिष्टाचार के रूप में किया था। उन्होंने यह भी कहा, अगर कोई आपके घर आए तो क्या आप उसका स्वागत नहीं करेंगे? मैंने राजनीतिक शिष्टाचार का पालन किया। कांग्रेस की तरफ से जारी पत्र में लिखा गया है कि विजयवर्गीय ने इंदौर को बदनाम किया है और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की है। ऐसे व्यक्ति का कांग्रेस कार्यालय में स्वागत करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। चड्ढा ने कहा, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया दल बदल का सरकार गिराते हैं और फिर भी वरिष्ठ नेता उनसे मिलते हैं तो मैंने क्या गलत किया? वहाँ पर कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई अपराध किया है। अगर मैं दोषी हूँ तो वे कार्यकर्ता भी दोषी हैं।